सुपरहिट हिंदी मूवीज और उनके सीन सॉन्ग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी मूवी प्लेक्स। ठीक तो है बेटे, चोट तो नहीं आई? कहाँ जा रहा है लेके? चलो मैं छोड़ देता हूँ। कहाँ रहते हो बेटे? मैं तो कहीं नहीं रहता, मैं तो आज ही आया हूँ। ये रुपया लो और कुछ खा लो। सुनिए, आज तो मैं इस रुपए से खा लूंगा, कल क्या होगा? ये तो गले पड़ गया यार। चंदू भाई ऐसा कीजिए, इसे अपने गैरेज में रख लीजिए, विनोद का दिल भी बहल जाएगा। ठीक है काशीराम, चलो बेटे। चल बेटा आओ, बेटे आओ, ये है अपना गैराज। विनोद, करण तुम यही कह रहे हो, मैं अभी आता हूँ। जी हाँ मैडम, मेरा नाम ही विनोद है, मैं ही इस गैराज का मालिक हूँ जी। अरे आपको एक वैन चाहिए ना? मिल जाएगी। कितना सामान है? अच्छा जरा एड्रेस बताइए जी। जी हाँ जी हाँ हाँ, समझ गया समझ गया, बिल्कुल समझ गया जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। अजीब पागल औरत है। करण कहाँ है? उधर अपने महल में। करण, ओ करण, अरे ये उसका एक माउथ ऑर्गन, ओ बस कर यार। करण, ओ सुन रहा है कि नहीं, ओ बस कर यार। करण हाँ बोल। अरे सांता क्रूज़ ये वैन ले जानी है। अच्छा आता हूँ। करण ये लो एड्रेस। अरे सांता क्रूज़ से सामान लो और बांद्रा जाकर छोड़ दो, इतना सा काम है बस। क्या बात, काम करवाना तो कितना आसान कर दिया। सांता क्रूज़ से सामान ले और बांद्रा जाके छोड़ दो। अरे ये क्यों नहीं कहते कि पहले सांता क्रूज़ जाओ, फिर वहां ये पता ढूंढो, फिर पते पर पहुंचो। अच्छा अच्छा मान गया कि तुम मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम करने जा रहे हो। क्या बात कर रहा है, ये तो मेरा फर्ज है यार। थैंक यू वेरी मच। क्या हो रहा है शांता? करण भैया, भैया ये लीजिए फूल। थैंक यू। कैसे हो काशीराम चाचा? बस चल रहा है भैया। अरे चाचा क्यों सुबह शाम बीड़ी पीते रहते हो और खांसते रहते हो? क्या बताएं भैया, पहले बीड़ी पीते थे तो खांसी आती थी, अब नहीं पीते तो खांसी आती है। शांता समझाओ अपने बापू को, समझाओ सुबह शाम खांसते रहते हैं। चलता हूँ। जी वो आप ही का सामान ले जाना? जी नहीं, मुझे तो शौक है यहाँ जो भी गाड़ी आके रुके उसके ड्राइवर से बातें करने की, रोज करती हूँ, समझे यार? जी। अरे साफ जाहिर है कि सामान मेरा ही जाना है, वरना मैं एक ड्राइवर के साथ बातें क्यों करूंगी? हाँ ड्राइवर से बातें क्यों करती, ये भी ठीक है, लेकिन मेम साहब का सामान कहाँ है? जो लड़के मैंने सामान उठाने के लिए बुलाए थे कब से इंतजार कर रहे थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। खैर कोई बात नहीं, ड्राइवर सामान तुम ही उठा कर ले आओ, उसके पैसे अलग दे दूंगी। मेम साहब ऐसा हो नहीं सकता, इस वक्त मैं ड्राइवर का रोल कर रहा हूँ, कूली का नहीं। ठीक है, ज्यादा होशियारी मत बताओ। मेम साहब कहाँ चले गए थे तुम लोग? हम लोग आपस में मीटिंग करने गए थे कि कितने पैसे लेने। कितना पैसा लोगे? 20 रुपया। ठीक है सामान ले आओ, पहले 5 रुपया एडवांस। एडवांस? बिट्टी भर के छोकरे एडवांस मांग। आज तक दुनिया में लेडीज का ऐसा कोई पर्स नहीं बना जिसमें कोई चीज आसानी से मिल जाए, जब तक लड़कियां कुछ ना कुछ ढूंढती रहती पर्स में। ड्राइवर मेरे पास चेंज नहीं है, 5 रुपए तुम दे दो, हिसाब करते हुए वापस कर दूंगी। आप उधार मांग रही हैं? दे रही हैं जी। ये एडवांस। एडवांस ले आओ सामान। अरे लैंप संभाल के। मैम साहब 15 रुपए। ये लीजिए 20 रुपए हो गए। खानी जाऊंगी तुम्हारे पैसे, ये लो। बैठिए। तुम क्या समझते हो मैं एक ड्राइवर के साथ बैठूंगी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो आप पीछे बैठ जाइए। सामान के साथ लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेम साहब गाड़ी के दो ही हिस्से होते हैं, एक आगे और एक पीछे, आप ना आगे बैठना चाहती ना पीछे बैठना चाहती है, एक काम कीजिए मेरे सर पर बैठ जाइए। शट अप, मैं पीछे बैठूंगी। जरा लैम्प संभाल के। क्या बात है मेम साहब, बचपन में क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू देखा था,
वो भी बिल्कुल ऐसी बैठी थी जैसे आप। ड्राइवर तुम बातें बहुत बनाते हो, गाड़ी चलाओ। जी मैम। ड्राइवर गाड़ी ठीक से चलाओ। जी मैम। ए बनरिया ये ले केला खले खले। अरे 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 मेकअप बेचारे लैंप को तो कुछ नहीं हुआ ना। मैं आगे बैठूंगी। रिलैक्स रिलैक्स। ड्राइवर तुम यही ठहरो, मैं मकान मालिक को सामान उठाने के लिए बुलाती हूँ। सुनिए। यस यस। क्या चलिए, वो कमरा कहाँ है? मेरे घर में तो कई कमरे हैं, किस कमरे की बात कर रही हैं आप? अरे वही कमरा जो कल फोन पर तुमने मुझे दिया था। देखिए कल आप आई नहीं, इसलिए वो कमरा आज हमने किसी और को दे दिया। आप 24 घंटा इंतजार नहीं कर सकते थे? देखिए मैडम ये बम्बई है, यहाँ खाली कमरे किसी का इंतजार नहीं करते, समझी? गुड बाय। बड़ा अजीब आदमी है। बम्बई में मकान मालिक अक्सर अजीब होते हैं। आपका कमरा तो क्या, और अब मुझे भी जाना है। अब ये बताइए क्या आपका सामान कहाँ उतरेगा? वो तो ठीक है, लेकिन इतना सारा सामान लेकर मैं जाऊंगी कहाँ? मुश्किल क्या है, बम्बई में बड़े बड़े होटल हैं, ताजमहल, ओबेरॉय, हॉलिडे इन, जहाँ कहीं वहाँ पहुँचा देता हूँ। वो तो ठीक है लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ गया। क्या क्या समझ गए? अभी जरा मामला टाइट है। देखो तुम्हारा नाम क्या है? ड्राइवर। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारा नाम क्या है? जी वो करण। देखो करण, मेरा एक फोटोग्राफर दोस्त है, वो पुणे गया हुआ है, कल सवेरे वापस आ जाएगा, कल मैं उसके घर में शिफ्ट हो सकती हूँ, लेकिन आज के लिए अगर मेरा कोई इंतजाम हो जाए तो I'll be very grateful, you know? अगर एक ही रात की बात है तो इंतजाम हो सकता है, मगर पता नहीं आप वहाँ ठहरना पसंद करती या नहीं, आखिर आप इतनी बड़ी मॉडल बनने वाली हैं। नहीं नहीं, तो क्या हुआ, एक ही रात की तो बात है, कोई बात नहीं, चलो कहाँ है जगह? जगह देख लीजिए। आइए मेम साहब, ये मेरा घर है। ये मगर ये तो बस है। बस यही मेरा घर है। तुम क्या समझते हो मैं इस बस में रहूंगी? मेम साहब माना कि ये बस है, मगर ये मत भूलिए कि आप बेबस हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग देखेंगे तो कुछ कहेंगे ना, आज आपको मेरे से बात देखने वाला और कोई नहीं है। आइए, ये रहा मेरा आशियाना और आज आपका ठिकाना। तो तुम इस बस में रहते हो? जी हाँ, मैं हमेशा बस में रहता हूँ। अगर आप चाहें तो हमेशा आपके बस में रहूं। शट अप, मैं सोऊंगी कहाँ? यही इस बस्तर पे। बस्तर? जी हाँ, बस में जो बिस्तर बिछाया जाए उसे बस्तर कहते हैं। बस्तर कहते हैं, कहते होंगे। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा बस्तर बिस्तर कहाँ है? मेरा क्या है मेम साहब, मैं यही कहीं किसी कोने में सो जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम इस बस के बाहर सोगे। आउट। कमाल है, आप मुझे मेरे ही बस से उतर रही हैं। तो तुम चाहते हो कि इस कमरे में इस बस में मैं यहाँ और तुम यहीं? अरे मैंने तो जोक किया था, और आप सीरियस हो गई। मेरा बेडरूम यहाँ नहीं है, मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, जरा देर हो जाएगी। और हाँ तुम सो जाना, मेरा इंतजार नहीं करना। हम करण के दोस्त हैं। करण के साथी हैं। ये करण का गैंग है। यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहते हो? तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हें बहुत पास से देखना चाहते हैं, तुम्हें छू कर देखना चाहते हैं। करण, करण, अरे उठ यार। अरे क्या हुआ, क्या देख रहा है? अरे कल रात इस बिस्तर में लड़की थी, बिस्तर तो है, लड़की कहाँ गई? यार तू तो सो रहा था और उसने सुबह सुबह आकर जो मेरी क्लास ली, मैंने तो हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा बहन जी मैं ही छोड़ाऊंगा आपको, छोड़ाया।
अरे सुन, उसने मेरे 20 रुपए दिए। अरे छोड़ उस 20 रुपए को और तैयार हो जा, दादर जाना है गुरदीप कॉन्ट्रैक्टर के पास। दादर। शांति बेटी, ये ले फूल, इसे लड़ी में पिरो दे। करती हूँ। करण भैया अभी आती बाबा। हाँ हाँ, पहले जाके करण को फूल दे दे, फिर कुछ काम करना। ये लो तुम्हारा आज का फूल। थैंक यू। जानती हो शांता, जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ भी फूल बेचा करती थी, न जाने कहाँ खो गए सब मेरे अपने। हम भी तो तुम्हारे अपने ही है करण भैया। हाँ हाँ, मैंने कब कहा कि तुम नहीं हो। हो जानी चाहिए, इसने उस बूढ़े को अपनी वो जीप कर गई। इंस्पेक्टर साहब, वो जीप भी तो इस आदमी के जुर्म का सबूत है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास इस वरदान के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। अरे 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 हवलदार, इसने वो जहर खा लिया। कौन है ये आदमी साला? कौन है ये सुनवा? उसका पता लगाओ, मुझे उसका पता चाहिए। उसका तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा भाई। भाई साहब, मुझे तो लगता है ऐसे ही आदमी था, एक्सीडेंट देखा तो। मैं? अरे बच्चा है अभी तू, उसने वरदान जैसे ड्राइवर को चेस करके पकड़ा है, सुना तुमने? वरदान जैसे आदमी को, और वो कोई मामूली आदमी नहीं था। फिर वहां जब पुलिस आई तब तक हमारी पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। अगर वो अकेला था तो हमारी जीप कहां गई? बोलना, कहां गई जीप? मैं बताता हूं, वो देवराज कामत का आदमी था। देवराज कामत के आदमी हमारी जीप लेकर गए हैं।